शेमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। सावधान! आज ये सिर्फ एक ड्रिल नहीं, देश की सुरक्षा के लिए उठाया गया आप सबका यह पहला कदम होगा, जिसे एक बार आगे बढ़ाया फिर पीछे नहीं हटाया जा सकता। देखते हैं देश के लिए जान लगाने के लिए कौन तैयार है, आप सब में कितनी जान है। शुरुआत टायर फ्लिपिंग से। टायर को अपने शोल्डर से बांधकर उसे पॉइंट ए से लेकर अंतिम पॉइंट बी तक लेकर जाना है। विशल के बाद अगर कोई रुका तो शुरुआत से शुरू करना होगा। हिम्मत की है जमीन। Come on, Cadet Kirti, come on, rukna nahi hai, aage badho, come on, you can do it. Yes, yes, come on. Yes, yes, come on, come on. Come on, do it, come on, come on. Yes, yes, very nice, come on. Very nice, come on, come on. Yes, yes. तुम क्या करने आई थी यहाँ? हाँ? आराम करने? कागज पर सवालों का जवाब देकर कोई ऑफिसर नहीं बनता। ऑफिसर बनने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, खून पसीना एक करना पड़ता है और उसके लिए चाहिए होता है दम। है तुम में? तुम ऑफिसर बनना चाहती हो या नहीं, या कोई अपना शौक पूरा करने आई हो यहाँ पे? तुम्हारी वजह से एक अच्छे और काबिल ऑफिसर की सीट चली गई है। मेरी एक बात गांठ बांध लो, अगर तुम्हें अभी यहाँ रहना है तो अपने दिमाग को मजबूत करो। शरीर साथ नहीं छोड़ रहा है तुम्हारा, दिमाग से हार रही हो। मैं सिर्फ बहादुर अफसर तैयार करता हूँ, इसलिए दिमाग को मजबूत बनाओ ताकि देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठा सको। क्लास डिसमिस। कैडेट कीर्ति 100 पुशअप फास्ट। कम ऑन फास्ट। दिमाग तेज करो, दिमाग तो उसी दिन खराब हो गया था जिस दिन दीदू के भरोसे पे भरोसा किया था हमने, अब उसी की सजा भुगत रहे। पता नहीं कौन सा दुश्मनी निकाल रहे हैं सब हमारे साथ। अब हमें पता है कि हमें क्या करना है। अभय क्या है ये? दिख नहीं रहा, चेहरे की मसाज कर रहा हूँ। कितनी बार मैंने आपको कहा है शेविंग करने की जगह बाथरूम में है, यहाँ बाहर कमरे में नहीं। चलिए। किस्मत की लकीरों से, किस्मत की लकीरों से, किस्मत की लकीरों से। मेरा घर, मेरा कमरा और बीवी। किस्मत की लकीरों से, किस्मत की लकीरों से। सिर्फ मेरी, उसने मेरी मनी। सिर्फ आपकी अब है।
अच्छा है श्रद्धा, कर दो तैयार अभय को इसकी मौत के लिए, क्योंकि बचेगा नहीं वो आज। कीर्ति, आज सचमुच तुम्हारी बहुत याद आ रही। श्रद्धा, तुम? श्रद्धा, मुझे भी कीर्ति की बहुत याद आ रही है। हाँ, वो क्या है ना कि उसके बारे में सोच सोच के थोड़ी घबराहट भी हो रही। तुम तो जानते हो ना उसकी आदतों, वो बाकी लोगों से कितनी अलग है। वहां सबके साथ ट्रेनिंग में उससे बहुत मुश्किल हो रही होगी, है ना? पर वरुण जी, आप ये भी तो जानते हैं ना कि हमारी कीर्ति हार मानने वालों में से नहीं है। जब वो कुछ करने का ठान लेती है ना, तो उसे करके ही रहती है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमारी कीर्ति हम सबका सर ऊंचा करेगी। बिल्कुल। अच्छा, तुम्हें अब कुछ काम था क्या? हाँ वरुण जी, वो मैं अभय के रिपोर्ट्स का पूछने आई थी, आप उन्हें ले आए क्या? अरे हाँ, वो तो मैं ले आया था, पर तुम्हें देना ही भूल गया। एक सेकेंड। ना चलो सर। श्रद्धा, बिल्कुल भी मायूस मत होना, देखना अबे बहुत ही जल्दी हम सबके साथ होगा, बिल्कुल पहले जैसे। पहले जैसे हो जाइए ना अभय भैया, आपको ऐसे बेजान पड़ा देख मेरा तो दिलो जान गिरता पड़ता रहता है। कितनी सुंदर सुशील बीवी, प्यारे परिवार के लिए तो आप टूट जाइए अभय भैया, आपको ऐसे पड़ा देख नहीं देखा जाता। देखती तुम मेरे अभय को अब हाथ भी कैसे लगाते हो कुणाल, इस सीसीटीवी के रहते मेरी नजर तुमसे कभी नहीं हटेगी। सीसीटीवी लगवा के तीसरी आंख तो बना दी तुमने अपनी, लेकिन तुम्हारे पति की आंखें अब हमेशा के लिए बंद तो मैं करके रखूंगा। देखता हूं अपने पति को कब तक बचा पाती। पकड़ के रखना, हमारे घर में घुसेगा, तुझे तो मैं बताता हूं।
कीर्ति, तुम क्या हुआ? कहाँ है चोर? कीर्ति, तू यहाँ क्या कर रही है? तू तो वहां अपने ट्रेनिंग सेंटर में थी ना? क्या हुआ स्वीटू, तुम ठीक हो ना? सब ठीक है ना? कीर्ति, आपके साथ वहां पे कुछ हुआ है क्या? वही तो हो नहीं पा रहा हमसे माँ, हमें वापस नहीं जाना। हमें ना इसके साथ 100-100 रुपए की शर्त लगानी चाहिए थी, हम जीत जाते। क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता था कि इस महारानी की 2 दिन में वापसी पक्की है। आप सभी सोचिए ना, इनसे एक पानी का ग्लास तक उठाया नहीं जाता तो कैसे बोरा उठा के ये दौड़ेगी? देखा, आ गई ना वापस, अब ये नहीं जाएगी। बेटा, माना कि वहां मुश्किल होगा, लेकिन जब आपने शुरुआत की है तो थोड़ा वक्त दीजिए, अपने आप आदत पड़ जाएगी। हाँ कीर्ति, तुम डर क्यों रही हो? अरे तुम तो गुंडों को मारने से भी पीछे नहीं हटती थी, और ये ट्रेनिंग तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल। क्यों भेजना चाह रहे हैं आप हमें वापस? अब क्या हमारी मनमानी इस घर में नहीं चलेगी? आपको पता भी हमारे साथ वहाँ पे क्या क्या हो रहा है। तो हमने फैसला कर लिया, हम वहाँ नहीं जा रहे। श्रद्धा, तुम यहाँ इसकी नैया दौड़ाना चाहती हो और ये तुम्हारी मेहनत को डुबाना चाहती है। बुआ जी, दीदू ने एग्जाम पास करने में हमारी मदद की, पर कागज में लिखे हुए जवाब से कोई अफसर नहीं बन जाता। आपको क्या पता वहाँ हमारे साथ क्या क्या हो रहा है। हमें ना सुबह 4 बजे उठना पड़ता है और 5 बजे से भाग दौड़ कूदा पानी पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। 2 दिन में ना 10 करोचे लग गई है हमें, 5 किलो वजन भी कम हो गया हमारा। हमने फैसला कर लिया, हम वापस नहीं जा रहे। स्वीटो, तुम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। मत जा कीर्ति, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, सबके सपने टूट जाएंगे ना, इसे क्या फर्क पड़ता है? मम्मी पापा ने जो सपने देखे थे कि आखिरकार उनकी बेटी कुछ बन के दिखाएगी, उनका वो सपना टूट जाएगा। क्यारा क्या सीखेगी? यही ना कि कैसे अपने लक्ष्य को बीच में ही छोड़ देना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है इससे, सबके दिल टूट जाएंगे, इससे ज्यादा क्या होगा। तो एक काम कर, तू मत जा, तू अंदर जा, आराम कर। ये कीर्ति कहाँ चली गई? कहीं दिखाई नहीं दे रही, रसोई में भी नहीं है। पता नहीं मम्मी, मैं भी बहुत देर से उसे फोन लगा रहा हूँ, फोन भी नहीं उठा रही। पता नहीं कहाँ चली गई। मैं बताती हूँ कहाँ है कीर्ति। कहाँ? मेरी प्यारी दीदू, दीदू हम जानते हैं कि आप शायद ये सोच रही होंगी कि हमने जल्दबाजी में आकर हार मान ली, पर हम सच बताएं, हम डर गए थे, हमें लगा कि हमसे नहीं होगा। पर आप भी ये बात अच्छी तरह से जानती है ना कि हम आपसे भी 2 कदम आगे हैं। अगर हम कुछ तय कर ले तो उसे किसी भी हालत में हासिल कर ही लेते हैं, और अब ये हमारी जिद है कि हम अब घर तभी वापस आएंगे जब हम वर्दी में होंगे। आप सबका और हमारी बेटी कियारा का विश्वास कभी मत टूटने देना, ये हमारी प्रतिज्ञा है। आपकी प्यारी बहन कीर्ति।
ये है मेरी बहन। तू बनी है हमारे परिवार की शान, आईपीएस ऑफिसर कीर्ति त्रिपाठी। आज तो दिल से तुझे सल्यूट करूंगी। हमें तो अंदाजा ही नहीं था कि हमारी बहू खाकी वर्दी में इतनी अच्छी लगेंगी। खुश रहिए बेटा। कीर्ति की इस खाकी वाली सफलता के पीछे सबसे बड़ा हाथ हमारी श्रद्धा का है। इस बार तो हम भी कीर्ति के साथ हैं ऋतु। देखिए ना, खून पसीना बहाकर वो आज यहाँ तक पहुंची है और हम सबका मुंह बंद कर दिया इसने। हाँ, हमारा नहीं भाभी, आपका। हमें तो शुरू से पता था कि हमारी कीर्ति रानी, हमारा मतलब है कि अफसर रानी, जरूर करके दिखाएगी। और देखिए, करके दिखाया उसने, बिल्कुल हमारे जैसी है। अच्छा ऋतु, आप तो श्रद्धा के साथ शर्त लगाने वाली थी कि इनसे नहीं हो पाएगा जब ये लौट के वापस आ गई थी। हाँ नहीं नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या है ना, जैसे हमारी कीर्ति रानी की गाड़ी पटरी पर आ गई, हमारा दिमाग भी ठिकाने आ गया। हमारी कीर्ति को श्रद्धा से अच्छी तरह और कोई नहीं जानता। और ये जितनी श्रद्धा की सुनती है ना, उतनी तो हमारी भी नहीं सुनती। और क्या, कीर्ति को जन्म भले ही हमने दिया है पर पाला हमारी श्रद्धा ने।
ये इसकी बहन से बढ़कर इसकी माँ है। देखिए ना, इसको राह पर लाकर ही मानी। अब देखना कानपुर से कैसे यो चुटकियों में अपराध खत्म हुआ समझो, क्योंकि कीर्ति भाभी की पैनी नजरों से कोई नहीं बच सकता। आप सबको पता है ट्रेनिंग में सारे लोगों ने हमें नाम दिया है, कीर्ति मैडम चौकस। हमने बहुत सोचा है इस बारे में, फिर हमें समझ में आया कि अपराधियों पे नजर रखने का काम तो हमने पहले से ही शुरू कर दिया है। तो फिर अभय कैसे? एक्सीडेंट की वजह से जो हुआ है ना, अभय की आंखों में, उनके हाथों पर जो छोटी छोटी हरकतों से उनकी हालत में सुधार हो रहा था, उसे देखकर हमें भी बहुत उम्मीदें हो गई थी। लेकिन अब ये केस बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है। अभय इस समय लाइफ सपोर्ट मशीनों पर है, उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। बिना मशीन के कुछ ही घंटे जिंदगी बची है उनके। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।